हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ बायनॉमियल थ्योरम डिस्कस करूंगा। पिछले लेक्चर में मैं आपको कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशन बता चुका हूं कि जैसे स्टॉर्म यानी तेज आंधी जब आती है तो टीन शेड क्यों उड़ जाता है, या प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन तेजी से निकलती है तो आप अगर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन से थोड़ी दूरी पर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आपको लगता है कोई अंदर की ओर प्रेस क्यों कर रहा है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मैग्नस इफेक्ट। व्हाट इज द मैग्नस इफेक्ट? सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको बोलें तो इट इज द इफेक्ट इन विच क्रिकेट बॉल टेक्स स्पिन, यानी स्पिन ऑफ क्रिकेट बॉल इज द मैग्नस इफेक्ट। क्या देखिए, स्पिन ऑफ क्रिकेट बॉल इज मैग्नस इफेक्ट, राइट। अब क्या है देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, केवल समझाऊंगा। ये एक क्रिकेट बॉल है, इसको फेंका गया है तो ये बॉल किधर जा रही है? दिस बॉल इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट। तो क्या होगा? दिस विल कट एयर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ये और ये। तो मान लीजिए बॉल जा रही है यू वेलोसिटी से, तो एयर कट होगी यू वेलोसिटी से। यस, बॉल को सीधे जाना चाहिए, ठीक। लेकिन जब आप इसको स्पिन कराते हैं, यानी बॉल इस तरीके से मान लीजिए ये रोटेट कर रही है, बॉल जो है नाच रही है, आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी जगह पे रोटेट कर रही है ऐसे। तो मान लीजिए जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रही नाच रही है वो वेलोसिटी है वी। तो क्या होगा? देखिए ऊपर क्या हो रहा है, U इधर है और V उधर है, यानी डिफरेंस क्या हो जाएगा? U माइनस V, वेलोसिटी का डिफरेंस क्या हो गया? U माइनस V। भाई ये एयर कट रही है और इसकी स्पीड की वजह से एयर इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी से कटेगी, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? U माइनस V। नीचे दोनों सेम डायरेक्शन में देखिए क्या हो जाएगा? U प्लस V। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी अबव द बॉल इज लेस, दैट इज यू माइनस वी, एंड वेलोसिटी बिलो द बॉल इज मोर, दैट इज यू प्लस वी। क्लियर? बर्नौलीज़ थ्योरम का एप्लीकेशन कहां है? वेयर इज द एप्लीकेशन? तो कहते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम कहती है कि जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पर वेलोसिटी क्या है? कम है, यानी प्रेशर मान लीजिए पी वन और यहां पर प्रेशर पी टू, तो प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा? क्योंकि यहां वेलोसिटी ज्यादा है कम है तो प्रेशर पी वन ज्यादा होगा, यहां वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। सिंस वेलोसिटी अबव द बॉल इज लेस, यानी यू माइनस वी, देन द वेलोसिटी बिलो द बॉल दैट इज यू प्लस वी क्या होगा? देयरफॉर प्रेशर अबव यानी पी वन विल बी, वेलोसिटी कम ऊपर विल बी मोर देन प्रेशर बिलो दैट इज पी टू, और ये प्रेशर ज्यादा होगा ये प्रेशर कम होगा, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, एंड देयरफॉर बॉल
फ्रॉम वर्क. यस स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैग्नस इफेक्ट. सिंपल टर्म्स, स्पिन ऑफ बॉल, बॉल जाने चाहिए सीधे, ये तो नीचे ऊपर दिखा रहा हूं, सामने जाती है, राइट टर्न कर जाती है, लेफ्ट टर्न कर जाती है, स्पिन हो जाती है बॉल, उसका कारण यही मैग्नस इफेक्ट है और इसे हम बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं अगली एप्लीकेशन बताता हूं. यस, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एप्लीकेशन वेंचुरी मीटर, इट इज योर वेंचुरी मीटर. मैंने राइटिंग को थोड़ा पहले से कर लिया है, मैं आपको समझा रहा हूं वेंचुरी मीटर एक्चुअली है क्या. कहते हैं वेंचुरी मीटर एक हमारी ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए. जैसे अभी आप पुराने एरिया में जाइए, काफी पुराने एरिया में, तो पहले घरों में पाइपलाइन में एक मीटर लगा होता था जिससे कितना वाटर आपके यहाँ सप्लाई हो रहा है ये पता किया जाता था. अब तो नहीं है, अब फिर से नया सिस्टम आ रहा है, मीटर्स लगने की बात चल रही है, कहीं कहीं लग भी रहे हैं, लेकिन पुराने मीटर्स की बात कर रहा हूं. वाटर सप्लाई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के मीटर्स होते हैं वैसे वाटर सप्लाई के मीटर भी हुआ करते थे. तो ये डिजाइन बनी हुई है एक्स वाई व्यू पर, ये हॉरिजॉन्टल है, स्लोप नहीं है, हॉरिजॉन्टल है और पूरे ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेकिन मैं दो पॉइंट्स दे रहा हूं, एक एक्स पॉइंट ये और दूसरा जेड पॉइंट ये ले रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा कम, राइट? हाँ, ये थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है इसकी वजह से हाइट में डिफरेंस को हम इग्नोर करेंगे, वी विल इग्नोर द डिफरेंस इन द हाइट. यस, आप सुनिए, एक्स पॉइंट पर प्रेशर पी वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन, वेलोसिटी वी वन, और जेड पॉइंट पर प्रेशर P2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, वेलोसिटी V2. अब मैंने क्या किया, X पॉइंट पर ही और Z पॉइंट पर दोनों पर एक वर्टिकल पाइप लगा दी है. अब आप देखिए, आप मुझे बताइए कि अगर वर्टिकल पाइप लगी है तो क्या होगा, वाटर तो फ्लो इधर कर रहा है ना, इट इज गोइंग दिस साइड, लेकिन यहां पर इसमें स्पेस मिल गया जाने के लिए, तो क्या होगा, वॉटर विल राइज इन दिस वर्टिकल पाइप ऑल्सो. यस, अब मुझे बताओ क्या वॉटर दोनों में सेम हाइट तक चढ़ेगा या हाइट दोनों में डिफर करेंगे, सोच के बताइए. मैं बताता हूं, देखिए यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने से वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा. जब एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. और जब वेलोसिटी ज्यादा है तो बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, प्रेशर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, इसका मतलब यहां पर प्रेशर कम होगा और यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा. लिख दे रहा हूं, P1 is more than P2. क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से मान लीजिए इसमें लिक्विड जो है इस हाइट तक चढ़ता है, दिस इज एच वन, और यहां प्रेशर कम होने की वजह से इसमें केवल इसी हाइट तक चढ़ता है, दिस इज हाइट एच टू, ये एच वन और एच टू, ठीक है. तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस दोनों का हो जाएगा h, एंड h इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू. एच इज द डिफरेंस इन लेवल ऑफ द लिक्विड इन टू पाइप्स. यस, दोनों पाइप के लेवल में, दोनों पाइप के लिक्विड के लेवल का डिफरेंस है h, जिसकी वैल्यू h1 और h2 है. h1 ये हाइट है और H2 आपकी ये है. ये ट्यूब समझ में आ गया, डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया. मैंने क्या लिखा है, वेंचुरी मीटर, इट इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द बर्नौली थ्योरम एंड यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इट इज क्लियर. फिर इट इज अ ट्यूब एक्स वाई,
एक्स वाई एज शोन इन द फिगर, प्रेशर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट एक्स एंड जेड, जेड विड्थ ऑफ बोथ यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया एट बोथ पॉइंट्स आर नॉट सेम, दे आर स्लाइटली डिफरिंग डिफरेंट, तो एक्स एंड जेड आर पी वन ए वन बी वन एंड पी टू ए टू एंड वी टू। अब एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए और इतना पोर्शन नोट कर लिए, फिर मैं मैथमेटिकल पोर्शन शुरू करता हूं। वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स नोट कर लिया, मैंने इसको हटा दिया। अब आप देखिए, एक्स और जेड दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, एक्स एंड जेड। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, यस, यानी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू वी टू बाय वी वन। ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनल है, ए प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी, बताया था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो हमको ये मिल गया इक्वेशन नंबर वन। अब आप देखिए, अब इस ट्यूब में हम लोग बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बर्नौली थ्योरम क्या है, हॉरिजॉन्टल पाइप, तीन स्टेटमेंट मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे, हर पॉइंट पर तीनों एनर्जी का सम इक्वल होता है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच का कोई मतलब नहीं था, क्या था, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बर्नौली थ्योरम। आप कहते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम क्या, पी वन एक्स पॉइंट पर प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच वन था ना प्लस रो जी एच टू, क्योंकि हाइट दोनों की बराबर है, हॉरिजॉन्टल। हाँ, आप अगर इसको कहते हैं ये डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को इतना स्मॉल है कि हम नेग्लेक्ट करेंगे, राइट, वी विल नेग्लेक्ट इट। अब आप देखिए, ये हो गया, इसका मतलब P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, यानी अच्छा अब आप देखिए P1 माइनस P2 क्या हो गया, प्रेशर यहां पर है और यहां प्रेशर P2 है, तो प्रेशर P1 को रो जी एच वन ले सकते हैं और इसको क्या ले सकते हैं रो जी एस टू। भाई यहां प्रेशर कैसे पता चलेगा, इस कॉलम में लिक्विड के प्रेशर से पता चल जाएगा, तो रो जी एच वन और यहां पर रो जी एस टू, तो ये लिख सकते हैं रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू इज इक्वल टू वन बाई टू रो, दोनों कॉमन है, ऐसा करते हैं वी वन कॉमन ले लेते हैं, वन बाई टू रो, वन बाई टू रो दोनों में कॉमन है, वी वन स्क्वायर बाहर ले ले रहे हैं, तो यहां क्या बचेगा, यहां हो जाएगा वी टू स्क्वायर बाई वी वन स्क्वायर माइनस वन, राइट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहां भी करता हूं, इसको ऊपर करता हूं, तो रो सी कॉमन ले लिया, रो जी एच वन माइनस एच टू, यहां पे रो जी एच कॉमन ले लिया, एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू वन बाई टू रो वी वन स्क्वायर, और अब देखिए वी वन स्क्वायर बाहर है, ब्रैकेट में वी टू स्क्वायर बाई वी वन स्क्वायर और वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू ए वन बाई ए टू, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी v2 by v1 is equal to a1 by a2, तो v2 square by v1 square की जगह a1 square by a2 square सकते हैं, that is a1
वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस वन, और एच वन माइनस एच टू क्या है, एच यानी रो जी एच इज इक्वल टू वन बाई टू रो वी वन स्क्वायर ब्रैकेट में ए वन स्क्वायर माइनस ए टू एलसीएम ले लिया अपॉन ए टू स्क्वायर, और ये रो और ये रो कैंसिल हो गया, तो एक काम करते हैं यहां से वी वन स्क्वायर निकाले, वी वन स्क्वायर देखिए तो वी वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ये टू इधर मल्टीप्लाई होगा टू जी एच टू जी एच इन टू ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, यस। तो फिर वी टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी टू इज इक्वल टू ए टू एंड इन अंडर रूट व्हाट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, यस। एंड दिस इज द वेलोसिटी v2 एट दिस पॉइंट, एंड व्हाट वी वांट टू नो, वी वांट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज द लिक्विड या अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, एंड व्हाट इज इट, यू गॉट द v2, आपने पूरा कॉपी कर लिया। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर हटा रहा हूं, फिर आपको बताता हूं, देखिए you got the key to now therefore rate of flow of liquid q क्या होता है a to v, तो a वन इन टू वी वन है, सॉरी ये v वन था, ये v टू क्यों कर दिया मैंने, दिस इज योर v वन, v वन स्क्वायर था तो v वन इज दिस, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड q इज इक्वल टू A1 into V1 is equal to A2 into V2. और क्योंकि मैंने V1 निकाला है, तो we will consider here A1 V1. So rate of flow of liquid Q is equal to A1 V1, and that is Q is equal to A1 और V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं. This is A2 under root 2GH upon A1 square minus A2 square. Students, this is your rate of flow of liquid which you have find with the help of this Bernoulli's theorem, right? So main side mein hota hu aur ye Venturi meter in help se rate of flow of liquid kaise nikalenge, ye mathematical expression with diagram aur shuruaat mein maine kiya tha, pura copy kar lijiyega, ye application important hai. Finally this lecture और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. मैं साइड में होता हूं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा. थैंक यू.